वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में बनाने वाली हूँ चॉकलेट। सो दिस इज न्यू ईयर स्पेशल वीडियो। यहाँ पे मैंने मिल्क कंपाउंड, डार्क कंपाउंड, व्हाइट कंपाउंड लिए हैं। एंड यहाँ पे मैंने मिल्क कंपाउंड के 2 बार, डार्क कंपाउंड का 1 बार एंड बहुत थोड़ा सा मिल्क कंपाउंड लिया है। गाइस, एज यू ऑल नो, चॉकलेट्स बनाने के लिए डबल वाटर सेट करना होता है। सो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें वाटर फिल कर दिया। देन मैंने एक और पैन लिया, उसके ऊपर प्लेस कर दिया। सो व्हेन आई रिमूव द अपर पैन, आई हैड नॉट सीन एनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द bottom of the pan, so it means the water of the lower pan is not touching the surface of the upper pan, so we have to take care of this thing. मैंने यहाँ पर ऐड किए कंपाउंड्स, डार्क कंपाउंड एंड मिल्क कंपाउंड। इनको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया था, सो इट विल बी ईजी टू मेल्ट। आप जितना छोटा छोटे पार्ट्स करोगे उतना ईजी होगा मेल्ट करना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। हेयर यू कैन सी, सो ये ऐसे धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। आपको फ्लेम हाई टू मीडियम रखनी है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। एंड आप जितने छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करोगे उतना इजी होगा आपके लिए मेल्ट करना। तो या इसको अभी मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ तो ये मेल्ट हो जाए। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी मेल्ट हो गया है, बट स्टिल अभी और मेल्ट होना है। तो मेन वाइल आपके जो कंपाउंड से मेल्ट हो रहे हैं, आपको अपने अपने मोल्स को रेडी रखना है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी मेल्ट हो गया, बस थोड़ा सा रह गया है अभी। थोड़ा सा और मेल्ट कर हम इसको फिल करेंगे आप मोल्स में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छे से मेल्ट हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। तो ये आप अब इसको हम फिल करेंगे। अगर आपका फिल करते करते ये बैटर सॉरी चॉकलेट थिक हो जाती है, तो आप इसको दोबारा हीट अप करके फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको फिल कर रही हूँ अपने सिलिकॉन मोल्ड्स में। सो ये मोल्ड्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। सो ये फिलिंग कैन बी ट्रिकी, सो ये आपको बहुत केयरफुल होकर फिल करना होगा। एंड आपको आप इसको अपने फिंगर से थोड़ा सा डैप कर देंगे तो वो शेप अच्छी आ जाएगी। जैसे आप फिल करेंगे वैसी आपकी चॉकलेट की शेप आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फैन वाला है वो भी मैंने अच्छे से वर्क किया है, मैंने हार्ट एंड देन दिस एनिमल वन आल्सो। सो आपको फिल अच्छे से करना होगा। एंड देन यहाँ पर मैंने इसको हाफ आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में प्लेस कर दिया था। सो हियर यू कैन सी दैट आई हैव प्लेस्ड देम इन द रेफ्रिजरेटर। देन आफ्टर हाफ आवर यहाँ पर आप देख सकते हो कि चॉकलेट बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई हैं। तो इनको मैं निकाल लूँगी, देन वी विल डीमोल्ड देम। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अच्छे से रेडी हो गई हैं। सो मेरी चॉकलेट्स हाफ आवर में रेडी हो गई थी। नाउ आई विल डीमोल्ड देम। सो सबसे पहले मैं सैंडल वाला डीमोल्ड करूँगी, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू डीमोल्ड द सैंडल वन। बट जो मैंने फर्स्ट किया था वो मैंने सैंडल ब्रेक कर दी थी। सो यहाँ पर आप देखिए कि इसको मैं कैसे डीमोल्ड कर रही हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना होगा, अदरवाइज ऐसी चॉकलेट टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। सो या सो अभी मैं आपको यहाँ पर आप देख सकती हूँ मैंने कितनी केयरफुलनेस के साथ निकाली थी। एंड देन मैंने यहाँ आपको दिखाती हूँ जो मैंने तोड़ दी थी वो ये है कि मुझसे ब्रेक हो गई थी। इसको भी मैं निकाल कर दिखाती हूँ आपको, यू कैन सी ये ब्रेक हो गई है। बट कोई बात नहीं, अब फिर मैंने नेक्स्ट जो सैंडल थी वो अच्छे से निकाली एज यू हैव सीन। सो अभी मैं सारे डीमोल्ड करूँगी, देन आई विल शो यू। सो ये जो मैंने कंपाउंड्स की क्वांटिटी ली थी उसमें मेरे 41 चॉकलेट्स बन गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फैन वन भी कितना प्यारा लग रहा है। देन दिस हैंड बैग वन इज ऑल्सो सो ब्यूटिफुल, यस यू कैन सी हियर। सो या सो गाइज, यहाँ पर हमारी चॉकलेट्स रेडी हैं। उनको अच्छे से मैंने प्लेस कर दिया है, उनको आप स्टोर करके भी रख सकते हो। सो दिस इज अवर न्यू ईयर स्पेशल वीडियो एंड ऑल्सो दिस इज लास्ट वीडियो ऑफ 2020। या यहाँ पर आप देख सकते हो कि चॉकलेट्स कितनी यम्मी लग रही हैं। सो या गाइज, दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इन 2021। बाय बाय।